क्रिकेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाले की लीपापोती शुरू हो गई है। जैसा कि उत्तर प्रदेश की भर्तियों में हमेशा होता है, हर भर्ती में भ्रष्टाचार होता है, हर भर्ती का पेपर आउट होता है। उसके बाद में जब विद्यार्थी आवाज़ उठाते हैं तो विद्यार्थी को आवाज़ को दबाया जाता है, उसके बाद में मामले की लीपापोती की जाती है। इसी तरीके से आज की जो ये न्यूज है, 69,000 शिक्षक भर्ती, भंडा फोड़ करने वाले आईपीएस का ट्रांसफ़र, जो सत्यार्थ अनिरुद्ध प्रयागराज के एसएसपी थे, जिन्होंने इस बड़ी भर्ती में हुए महाघोटाले का भंडा फोड़ किया था, उनका कल अचानक से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये देखिए लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती पेपर आउट कराने वाले सरगना केएल पटेल सहित दर्जनों को जेल भेजने व घोटाले को उजागर करने, दोषियों से लाखों की नकद राशि जब्त करने वाले प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को हटा करके वेटिंग सूची में डाल दिया गया है। अब वो पुलिस मुख्यालय से संबंध रहेंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें भाजपा नेताओं का हाथ है इस भर्ती के भ्रष्टाचार में। यहाँ पर इनका नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 9 नंबर पर देखिए, सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज की प्रतीक्षारत वेटिंग। वेटिंग एक तरीके की सज़ा होती है और उनकी जगह जो नए आईपीएस हैं वो है अभिषेक दीक्षित। अब अभिषेक दीक्षित इस भर्ती का क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस तरीके की लीपापोती बहुत सारी भर्तियों में की गई है। उत्तर प्रदेश में जब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे, विद्यार्थियों को बहुत सारा दबाव था, बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ था। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये बात कही थी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। उसके बाद भाजपा की सरकार आई और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए। सीबीआई जांच के जब आदेश दिए गए तो राजीव रंजन, जिन्होंने काफ़ी तेज़ी से जांच को आगे बढ़ाया था, उनका अचानक से ट्रांसफ़र कर दिया गया। ट्रांसफ़र करने के बाद में हाल ये हुआ कि आज तक सीबीआई जांच वहीं की वहीं रुक गई। और इसी तरीके की लीपापोती की गई थी 68,500 शिक्षक भर्ती में, जब हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा था कि इस भर्ती की जाँच हो। पीएनपी द्वारा कापियाँ इत्यादि जलाई गई थी, बाद में 2 अधिकारियों को दबाव के लिए हटा दिया गया था, जेविंदर सिंह एरी और सुत्ता सिंह को। बाद में उनका भी पद बहाल हो गया था और कुल मिलाकर के किसी भी भर्ती में कोई भी अधिकारी अभी तक उत्तर प्रदेश में जेल नहीं गया है। ये हो गई आज की एक अपडेट। अपडेट आपको अच्छी लगी हो, आपके काम की हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें, इस तरीके के वीडियोज़ को शेयर भी कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।